दिग्रस नगर पालिका के मुख्याधिकारी ने मनमानी करते हुए सैयद इसाक सैयद फरीद की जगह पर नाट्य गृह के निर्माण कार्य का काम शुरू किया है। इस आशय का आरोप करते हुए सैयद इसाक सैयद फरीद के वारिसदारों ने सोमवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। आइए देखते हैं क्या है ये मामला। शहर के जूना बस स्टैंड यानी जिस जगह पर पहले टाउन हॉल हुआ करता था, उस जमीन पर पालिका नाट्य गृह की भव्य इमारत के तामीर का काम चल रहा है। हालांकि जमीन का मामला अब भी न्याय प्रविष्ट है। बावजूद इसके पालिका प्रशासन ने सैयद इसाक सैयद फरीद के वारिसदारों को विश्वास में लिए बगैर निर्माण कार्य शुरू किया है। इस आशय का आरोप करते हुए सैयद इसाक सैयद फरीद के 146 वारिसदारों ने सोमवार को तहसील कार्यालय का रुख करते हुए यहाँ तहसीलदार सुधाकर राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से भूमि अभिलेख कार्यालय से दिग्रस नजूल चीट नंबर 9B के प्लॉटों के नक्शे उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। फरीद की फैमिली का पूरा सामायिक लेख लेके एक निवेदन दिए क्या मुख्य अधिकारी अपनी मनमानी चला के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। उन्होंने टाउन हॉल की जगह, ये सैयद इसाक सैयद फरीद की जगह है, हमारा कोर्ट में केस चालू है, कोर्ट का मैटर शुरू है, उसके बाद में भी वो नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पुराना कंस्ट्रक्शन भी शुरू है, नया का उन्होंने अतिक्रमण पूरा उठाया। ये सैयद इसाक सैयद फरीद की प्रॉपर्टी है, उसके सब वारस है, जितने भी है पोतरिया है, 146 वारस है पूरे, लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं, पोतरिया हैं, पोतरे हैं, सब जितने भी है सैयद इसाक के, सैयद नवाब से लेके तो सैयद करीमुद्दीन सैयद गैसुद्दीन तक के प्रॉपर्टी के मालिक है। इसके मालिक की मूल मालिक की सैयद इसाक के सैयद फैमिली पूरी है, उसमें इन्होंने ज्यादती करके बांधकाम का पूरा कंस्ट्रक्शन शुरू किया बगैर परमिशन के। कैसा किए जब इनके पास में शीट नहीं है नजुल ऑफिस के पास में, तो इन्होंने बगैर नजुल ऑफिस के परमिशन के सिवा, इतना बड़ा परमिशन के सिवा कैसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये लाखों 22 से 28 करोड़ का इन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन लिए, ठेकेदार ने अपना काम शुरू किया, हमको ज्यादाती करके, हमने वहाँ गए थे, हमको ज्यादाती करके हका लगाया, उसके बाद में हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट मैटर शुरू होने के बाद में भी अतिक्रमण हटा के ये इनका कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। हमारा तहसीलदार से निवेदन है, उसके बाद में हम कलेक्टर ऑफिस में भी जाएंगे, इंशाल्लाह कलेक्टर ऑफिस में भी निवेदन देंगे कि हमारा हक हमको दो, ये हमारे प्रॉपर्टी, हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, हमारे दादा की प्रॉपर्टी है, इसके मालिक हम है, ना के कोई तहसीलदार है, ना कोई मुख्याधिकारी है। नगर परिषद अपना ज्यादाती करके कंस्ट्रक्शन शुरू कर रही। तहसील कार्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचे सैयद इसाक सैयद फरीद के वारिसदारों ने बताया कि उन्होंने इसके पहले भी कई मर्तबा तहसील कार्यालय के भूमि अभिलेख कार्यालय को उनकी जूना बस स्टैंड स्थित नजूल शीट नंबर 9B के प्लॉट नंबर 3/3, 6/3, 3/9 और 6/2 का नक्शा मिलने के उद्देश्य से अर्जी दी थी, लेकिन उन्हें उनकी जमीन का अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई, जिसकी वजह से उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तहसीलदार सुधाकर राठौड़ से सैयद इसाक के वारिसदारों ने तत्काल उनकी समस्या को हल करने की मांग की है। गौरतलब है कि नगरपालिका के मुख्याधिकारी की निगरानी में कथित जगह पर नाट्य गृह की भव्य इमारत लगभग खड़ी हो चुकी है। ऐसे में सैयद परिवार ने इस निर्माण कार्य को मनमाने तरीके से किया गया निर्माण कार्य बताते हुए इस मामले को न्याय प्रविष्ट मामला करार दिया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर जारी दावेदारी का ऊंट किस करवट बैठता है। इन बीसीएन न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।